गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूं पवन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज हम इस वीडियो में 13 अक्टूबर 2019 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और दोस्तों हम एवरी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बनी रहिए और इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखना। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं एक नई दिन की शुरुआत करंट अफेयर्स के डोज के साथ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी? तो दोस्तों अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन सी। दोस्तों सऊदी अरब जो कि एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्श लॉ है क्योंकि सऊदी अरब में इंडिया जैसी डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे अभी किंग वाला सिस्टम चलता है। दोस्तों यहाँ पे महिलाओं पे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे 2018 में महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार दिया गया था, तो आप इस बात से सोच सकते हो कि यहाँ पे कितने ज़्यादा हार्श लॉ हैं। तो ये आप एक बार सऊदी अरब को मैप में देख लो। तो ये रहा सऊदी अरब वर्ल्ड मैप में, और सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। सऊदी अरब के किंग हैं यानी कि सऊदी अरब के राजा हैं सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊद, और सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन के 10वें संस्करण यानी कि 10th एडिशन का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 10वां संस्करण आयोजित किया जाएगा भारत और मालदीव के बीच। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन इंडिया और मालदीव के बीच होता है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और रह जाता है कि इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया कहाँ पे जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है महाराष्ट्र के पुणे शहर में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के पुणे शहर में। तो आपको प्लेस का नाम भी जरूर याद रखना है। दोस्तों इस अभ्यास का आयोजन करने का उद्देश्य है दोनों देशों के रिलेशन को मजबूत करना। तो इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है इंडिया और मालदीव के बीच। तो ये रहा मालदीव वर्ल्ड मैप में, और मालदीव की कैपिटल है माले। क्या है? माले। मालदीव के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद साहिल, और मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया। क्या है? मालदीवियन रुपया। और दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मालदीव से रिलेटेड कि मालदीव की पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो मालदीव की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस। क्या है? मजलिस। इस फैक्ट को आपको जरूर याद रखना है। एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि मालदीव मिनिकॉय आइलैंड से कितने डिग्री चैनल से अलग है? तो आपको याद रखना है कि मालदीव मिनिकॉय आइलैंड से 8 डिग्री चैनल से अलग है। कितने डिग्री चैनल से? 8 डिग्री चैनल से। तो इस फैक्ट को भी आपको जरूर याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा गोवा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए। अभी रिसेंटली इंडिया के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह घोषणा की है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 50th एडिशन का आयोजन गोवा में होगा, और इस फिल्म महोत्सव के 50th एडिशन में भागीदार देश रूस होगा। कौन होगा? रूस। तो ये रहा रूस वर्ल्ड मैप में, और रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस के प्रेजेंट टाइम की प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और रूस की करेंसी है रशियन रूबल। तो इस फिल्म महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है गोवा में। तो ये रहा गोवा इंडिया के मैप में, और गोवा की कैपिटल है पणजी। क्या है? पणजी। और गोवा के CM है प्रमोद सावंत, और गोवा की गवर्नर है मृदुला सिन्हा। दोस्तों गोवा इंडिया का सबसे छोटा राज्य है एरिया वाइज, और इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज राजस्थान। दोस्तों गोवा ही एक मात्र स्टेट है इंडिया में जहाँ पे मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। तो इस फैक्ट को भी आपको जरूर याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो यार, और इस टारगेट को कम्प्लीट कर दो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 का नोबल शांति पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को देने की घोषणा की है? 2019 के नोबल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है इथोपिया के प्रधानमंत्री को, और इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं अवी अहमद अली। कौन है? अवी अहमद अली। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये हैं इथोपिया के PM अवी अहमद अली, और इन्हें ही 2019 के नोबल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर इन्हें अवार्ड दिया क्यों जा रहा है? तो दोस्तों इथोपिया का एक पड़ोसी देश है इरीट्रिया। आप मैप में देखो, यह है इथोपिया और यह है इरीट्रिया। दोस्तों इन दोनों देशों के बीच करीब 2 दशकों से यानी कि 20 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इथोपिया के प्रेजेंट टाइम के PM अवी अहमद अली ने इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दिया है और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित की है, और इसी के लिए इन्हें नोबल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों आप इथोपिया को तो मैप में देख ही चुके हो, और इथोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा, और इथोपिया के PM है
अवी अहमद अली और इथोपिया की करेंसी है इथोपियन बिर। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक स्मारक सिक्का जारी करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों अभी रिसेंटली 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी करने का फैसला लिया है ब्रिटेन ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो ये फैसला लिया गया है ब्रिटेन के द्वारा। तो ये रहा ब्रिटेन वर्ल्ड मैप में, और ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। क्या है? लंदन। दोस्तों लंदन थेम्स नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे? थेम्स नदी किनारे। और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, और ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला 11 अक्टूबर से कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों यह मेला आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए। दोस्तों 11 अक्टूबर से नई दिल्ली में 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला यानी कि कॉरपोरेटिव ट्रेड फेयर होने जा रहा है, और यह देश और विदेश में सहकारी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला है। तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वधर्म अध्ययन केंद्र की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो दोस्तों सर्वधर्म अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाएगी पंजाब के शहर अमृतसर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए। दोस्तों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल के अनुसार सर्वधर्म अध्ययन केंद्र की स्थापना गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर की जाएगी। दोस्तों इस केंद्र में सभी धर्मों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इस केंद्र की स्थापना हो रही है पंजाब के शहर अमृतसर में। तो ये रहा पंजाब इंडिया के मैप में, और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब के सीएम है अमरिंदर सिंह। कौन है? अमरिंदर सिंह। और पंजाब के गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल्स डे कब मनाया गया? तो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल गर्ल्स डे मनाया गया है 11 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन सी। दोस्तों एवरी ईयर 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य है गर्ल्स को एम्पावर करना और गर्ल्स के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। दोस्तों यह दिवस यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, और यूनाइटेड नेशन के महासचिव है एंटोनियो गुतेरस। तो दोस्तों अब हम अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे हुए उन सभी को रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व पशु कल्याण दिवस, और 5 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व टीचर्स डे, और 7 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड हैबिटेट डे, और 8 अक्टूबर को मनाया गया था भारतीय वायुसेना दिवस, और 9 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व डाक दिवस, और 10 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो आपको इन सभी डेट्स को जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी रिसेंटली प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है विजय कुमार चोपड़ा को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये है विजय कुमार चोपड़ा, और इन्हें ही अभी रिसेंटली पीटीआई के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम जरूर याद रखना। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पीटीआई के बारे में यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि इंडिया की न्यूज एजेंसी है, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 27 अगस्त 1947 में। कब हुआ था? 27 अगस्त 1947 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और दोस्तों पीटीआई के सीईओ है बैंकी वेंकटेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला गार्बेज कैफे कहाँ से शुरू हुआ है? तो दोस्तों इंडिया का फर्स्ट गार्बेज कैफे शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अब हम बात कर लेते हैं गार्बेज कैफे के बारे में। तो दोस्तों जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं, अगर वे इस गार्बेज कैफे में एक दिन में 1 किलो गार्बेज जमा करवाते हैं तो उन्हें एक टाइम का खाना दिया जाएगा। अगर वह एक दिन में आधी किलो गार्बेज कलेक्ट करवाते हैं तो उन्हें सुबह का ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। तो यह इस गार्बेज कैफे का कॉन्सेप्ट है, और ये स्टार्ट हुआ है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। तो यह छत्तीसगढ़ इंडिया के मैप में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों
ये थे 13 अक्टूबर 2019 से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आज आपने इन सभी क्वेश्चन से कुछ नया सीखा होगा। तो चलो दोस्तों इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपसे इन फ्यूचर कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।